अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब आज मेरा रेजिडेंसा बन चुका है। आज कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा रेजिडेंसा कल बनना है और सूरज बोर्ड पड़ रहा है, मेरी सीधा आंखों में सूरज आ रहा है। ये है रेजिडेंसा, ठीक है। ये मेरे पास मेरे हाथ में रेजिडेंसा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इटली का आईडी कार्ड। और अगर ये आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। सारे काम जो इटली के अंदर होते हैं इसकी बुनियाद पर होते हैं, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इटली के अंदर। तो आज मेरे पास मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इटली का आईडी कार्ड बन के आ चुका है। ये है रेजिडेंसा, ठीक है। रेजिडेंसा मींस कह लें कि इटली का आईडी कार्ड, ठीक है। ये इटली का आईडी कार्ड है। आज से मेरी नेशनैलिटी इटली के अंदर शुरू हो चुकी है, ठीक है। आज से 10 साल बाद 12 साल बाद, वैसे तो 10 से 12 साल का टाइम है इनका। कभी 12 साल लगता है, कभी 10 साल, कभी 15 साल लग जाते हैं इटली की नेशनलिटी लेने में, इटली का पासपोर्ट लेने में। ये आज मुझे मिल गया। अब मेरी यहाँ पे इटली की नेशनलिटी स्टार्ट हो चुकी है। आज से 10 साल बाद इंशाल्लाह मैं नेशनलिटी के लिए, इटली की नेशनलिटी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो मैंने आपको ये फ़ायदा बता दिया कि नेशनलिटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, अब किसी भी बैंक अकाउंट में जाते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाने, ठीक है, सबसे पहले आपको रेजिडेंसा मांगते हैं आपका। आपको कोई भी मतलब आपका कोई दफ्तरी काम है, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने आपका रेजिडेंसा मांगना है। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है रेजिडेंसी की, ठीक है। आपको कोई बाहर कोई पुलिस वाला पूछता है, ठीक है, उन्होंने यही पूछना है कि अपना रेजिडेंसा आपका किधर है। ये आपकी एक साहब की रिहाइश है और आपका इटली का आईडी कार्ड है। जैसे आप पाकिस्तान में कोई भी बंदा आपको पूछता है, कोई पुलिस वाला कहीं भी आप जाते हैं, तो वो आप कहते हैं आपको कि अपनी शिनाख्त बताएं, अपना आईडी कार्ड हमें दें, ठीक है। इधर ये पूछते हैं कि अपना रेजिडेंस हमें दें, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि स्टोर किधर है, आप स्टोर दिखाएं, ठीक है। ये आपका अपना आपका रेजिडेंस मांगते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक डॉक्यूमेंट्स रह गया था जो मतलब कि इटली का, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है। मेरे पास से 6 महीने की स्टोर है, उसके बाद मेरा कोदी जिप्स का लेगा डॉक्टरी कार्ड, उसके बाद मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। बस एक चीज़ की कमी थी, वो था रेजिडेंसा, ठीक है। बैंक अकाउंट मैंने कैसे ओपन करवाया वो भी ज़रा मुश्किल से ओपन हुआ है। हालांकि रेजिडेंसी के बगैर बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेरा किसी गाँव में मैंने ओपन करवाया, इस वजह से वहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसका जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। ये मेरा मतलब कि इटली के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जो मतलब मैं यहाँ पे लीगल हूँ, यहाँ पे मुझे कोई भी बंदा निकाल नहीं सकता। जो मैंने यहाँ पे असालम करवाया हुआ है, जो सील करवाई हुई है, उसके ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी सजोर है, वैलिड सजोर, ठीक है, आपका कुदी जिप्स का ले और रेजिडेंसा, वो मेरा कम्प्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक है। और की कहते हैं कि बड़ा किसी अल्लाह ना किसी मारे, बंदे ने किसी की मारना, ठीक है। बंदे की कभी गल होनी, कुछ लोग कमेंट करके मुझे धमकी शमकियाँ दगा रहे हैं अजकल। धमकियाँ लाओ, जट भी तगड़ा पूरा, ठीक है, टेंशन नहीं लैनी है। वीडियो मेरे देख रहे हो गए, जिस बंदे ने कल मुझे कमेंट किया मेरा भरा तू तगड़ा रहा है, टेंशन नहीं लैनी, ठीक है। धमकियाँ जिन्हें लाण होंगी ना तेको ला लै तू। तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है, कुछ लोग मुझसे जैलस होते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं, फिर इस तरह के धमकी शमके लगाते हैं। धमकियाँ तो जट नहीं, डरने वाला नहीं है, ठीक है, कल याद रख लो। दूसरे नंबर पर है वे कि अजहर अली का कौल है कि वह बंदा ही कहता जिदे दुश्मन ना हो, ठीक है। तो दुश्मन पालना अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए, ना कभी किसी ने बुरा किया वे, ना कभी किसी ने वीडियो मैं बुरा भला किया वे। लोग कहते हैं तो मैंने पे कह, मैंने परवाह नहीं है लोगों की, अपना खून साड़ दे, साड़ी जाओ, मैंने कोई टेंशन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूरोप के बच्चा और मैं इतने लिखद, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कोल ने, टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना किसी ने मारे, बंद की मैंने कोई परवाह नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। मेरा रेजिडेंसा कंप्लीट हो चुका है, यूरोप के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इधर कंप्लीट हो चुके हैं। और बस एक रह गया कि मेरे लीगल जो मतलब कि पाकिस्तान आने जाने वाले पेपर हैं और वो रह गए हैं बस, ठीक है। और वो अब मिल जाएँ तो बस क्या ही बात है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस वही है, वो 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, इंशाल्लाह वो भी कभी ना कभी इंशाल्लाह मिल ही जाने हैं। दुआ करें, आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों की दुआ की वजह से ये सब कुछ हुआ है और जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनका दिल से थैंकफुल हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें मुझे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाइक के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।